Hi guys, I'm Nishu. I hope you guys are doing well and great. So today I'm going to talk about top best colleges for English honors in Delhi University. Yes, आप लोगों ने और भी काफी सारी videos देखी होगी कि top best colleges for English honors in DU. But actually उन videos में क्या बताया है कि top best colleges for Delhi University, not for English honors. But I'm going to talk about best colleges for English honors. साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों को वो कॉलेज क्यों चूज करना चाहिए एंड कॉलेज की रेटिंग एंड रैंकिंग एंड पर ईयर आप लोगों को उस कॉलेज में कितनी फीस पे करनी पड़ेगी सारी फैसिलिटीज के बदले. तो सबसे फर्स्ट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने इस कॉलेज का नाम सुना ही होगा बिकॉज ये कॉलेज हमेशा टॉप लिस्ट पे ही रहा है. जी हाँ, सेंट स्टीफन कॉलेज. सेंट स्टीफन कॉलेज या मैं इसको एक ड्रीम कॉलेज भी कह सकती हूँ बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर सिंगल स्टूडेंट का एक सपना होता है सेंट स्टीफन में एडमिशन लेने का. बिकॉज सेंट स्टीफन का जो क्राउड है एंड जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की और कॉलेजेस का जो क्राउड है उन दोनों में बहुत फर्क है. सेंट स्टीफन की दुनिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के और कॉलेजेस की दुनिया बहुत अलग है. सो अगर आप लोग सेंट स्टीफन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा. सेंट स्टीफन में एडमिशन लेने के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ सेंट स्टीफन कॉलेज का अलग से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा. देन आप सेलेक्ट हुए, अगर कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट अगर मैच हुई तो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा सेंट स्टीफन में. एंड इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आप लोगों ने कैसा इंटरव्यू दिया है उसके बाद ही आप बन पाएंगे सेंट स्टीफन के स्टूडेंट. एंड अगर मैं बात करूँ कि सेंट स्टीफन कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन क्यों लेना चाहिए तो ऑफकोर्स ये कोई सवाल ही नहीं हुआ कि आप लोगों को क्यों लेना चाहिए सेंट स्टीफन में एडमिशन. ये आप लोगों को कुछ दिनों बाद जब और रिसर्च करेंगे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में तब आप लोगों को खुद पता चल जाएगा सेंट स्टीफन के बारे में. एंड सेंट स्टीफन नॉर्थ कैंपस का ही नहीं पूरे इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में से एक है. नॉर्थ कैंपस के टॉप फर्स्ट कॉलेजेस में से एक है एंड पूरे इंडिया के फोर्थ हाई बेस्ट रैंकिंग कॉलेजेस में से एक है सेंट स्टीफन कॉलेज. एंड अगर मैं सेंट स्टीफन के रेटिंग की बात करूँ तो सेंट स्टीफन को ओवरऑल 5 में से 4.5 की रेटिंग मिलती है एंड इंग्लिश ऑनर्स कोर्स को रेटिंग मिलती है 4.6 की. एंड सेंट स्टीफन आप लोगों को टोटल सीट्स इंग्लिश ऑनर्स में 30 सीट्स प्रोवाइड करता है एंड इंग्लिश ऑनर्स में आप लोगों की फीस जाती है 1.22 लाख पर ईयर. नेक्स्ट कॉलेज की मैं बात करूं फॉर इंग्लिश ऑनर्स, सो पहले ये कॉलेज नॉर्थ कैंपस के टॉप 4 या 5 बेस्ट रैंकिंग कॉलेजेस में से एक आता था बट टाइम के साथ साथ ये कॉलेज अब टॉप 2nd नंबर पे आता है इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिरांडा हाउस की. आप लोगों ने काफ़ी सारी फिल्म्स जो है वो शूट होते हुए भी देखी होगी मिरांडा हाउस में बिकॉज मिरांडा हाउस का इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. एंड मिरांडा हाउस गर्ल्स कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस के बेस्ट कॉलेजेस में से एक है मिरांडा हाउस. एंड अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो मिरांडा हाउस को 4.5 की रेटिंग मिलती है एंड बीए ऑनर्स इन इंग्लिश कोर्स की रेटिंग जाती है 4.6. इंग्लिश ऑनर्स में आपको टोटल सीट्स मिलती है 78 एंड आपकी फीस जाएगी 42.48K पर ईयर. नेक्स्ट कॉलेज है हमारा जीजस एंड मैरी कॉलेज. जीजस एंड मैरी कॉलेज एक क्रिश्चियन कॉलेज है एंड नॉर्थ कैंपस के टॉप 7 कॉलेजेस में से एक है जीजस एंड मैरी कॉलेज. ये कॉलेज अपने प्लेसमेंट के लिए काफ़ी आगे है बाकी कॉलेजेस से. एंड यस, जीजस एंड मैरी कॉलेज की सोसाइटीज काफ़ी ज़्यादा फेमस है पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में. जीजस एंड मैरी की डांसिंग एंड म्यूजिक सोसाइटी वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की. एंड अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो जीजस एंड मैरी कॉलेज को 4.4 की रेटिंग मिलती है, बीए ऑनर्स इन इंग्लिश कोर्स को मिलती है 4.6 की रेटिंग. टोटल सीट्स आपको मिलती है इंग्लिश ऑनर्स में 50 एंड टोटल आपकी फीस जाएगी 46.83,000 पर ईयर. नेक्स्ट कॉलेज जो है इंग्लिश ऑनर्स के लिए बेस्ट कॉलेज वो है आपका लेडी श्रीराम कॉलेज. यस, लेडी श्रीराम कॉलेज वन ऑफ द
मोस्ट फेमस या फिर बेस्ट कॉलेजेस में से एक है लेडी श्री राम कॉलेज एंड ये गर्ल्स कॉलेज है, एंड नॉर्थ कैंपस के टॉप 3rd कॉलेजेस में से एक है लेडी श्री राम कॉलेज, जो कि अपनी हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा आगे है बाकी कॉलेजेस से। ये अपने एक्सीलेंट स्टडीज़, डिसिप्लिन एंड अपनी सोसाइटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ में बाकी कॉलेजेस से काफ़ी ज़्यादा बेहतर और आगे है लेडी श्री राम कॉलेज। एंड अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो लेडी श्री राम कॉलेज को मिलती है 4.5 की रेटिंग एंड कोर्स को मिलती है 4.3 की रेटिंग, एंड आप लोगों को सीट्स मिलती है 106 सीट्स मिलेंगी कोर्स में, एंड टोटल फीस आपकी जाएगी इस कोर्स में 47.61K पर ईयर। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा शहीद भगत सिंह कॉलेज। यह शहीद भगत सिंह कॉलेज साउथ कैंपस के टॉप बेस्ट कॉलेजेस में से एक है, एंड कॉलेज की रेटिंग आप चेक करें तो कॉलेज की रेटिंग काफ़ी लो है, इसकी 4.1 की रेटिंग मिली है, बट कॉलेज इंग्लिश ऑनर्स के मामले में 4.5 की रेटिंग गेन की है कॉलेज ने। एंड यस, कॉलेज में आप लोगों को फैसिलिटीज हर चीज़ की प्रोवाइड होती है। इस कॉलेज में आप लोगों को यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट एंड टीचिंग डिसिप्लिन हर चीज़ में ये कॉलेज काफ़ी बेहतर है साउथ कैंपस के बाकी कॉलेजेस से। एंड यस, इसकी टक्कर हम नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस से नहीं कर सकते, बट या इंग्लिश ऑनर्स कोर्स के लिए काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये। एंड अगर मैं कॉलेज की रेटिंग चेक करूँ तो आप देख सकते हैं इस कॉलेज को 4.1 की रेटिंग मिली है, कोर्स को 4.5 की रेटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया। टोटल सीट्स आपको मिलेंगी इस कोर्स के अंदर 58 सीट्स, एंड टोटल फीस आप लोगों की जाती है 22.66K पर ईयर। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा हंसराज कॉलेज। तो हंसराज कॉलेज के चर्चे तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, बिकॉज हंसराज कॉलेज अपने एक्सीलेंट स्टडीज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बट इंग्लिश ऑनर्स के मामले में ये थोड़ा सा पीछे है हंसराज कॉलेज, बिकॉज ये कॉमर्स एंड साइंस का कॉलेज है, तो ऑफकोर्स इंग्लिश ऑनर्स की रेटिंग यहाँ पे थोड़ी सी कम है, बट या कॉलेज टॉप का है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर प्लेसमेंट तक आपको हर चीज़ की फैसिलिटीज बेस्ट मिलती है हंसराज कॉलेज में। एंड मैं रेटिंग देखूँ तो कॉलेज रेटिंग 4.3 एंड बी ए ऑनर्स इन इंग्लिश कोर्स की रेटिंग जाती है 4.3। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको प्रोवाइड होती है 68, एंड पर ईयर आपकी फीस जाएगी 62.84K। अब हम बात करते हैं अगले कॉलेज की। सो नेक्स्ट कॉलेज है हमारा हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। यस, ये सबसे पुराना कॉलेज है आर्ट्स एंड साइंस का। सो ये अपनी प्लेसमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एंड इंग्लिश ऑनर्स कोर्स के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए हिंदू कॉलेज। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ, सेंट स्टीफन एंड हिंदू कॉलेज दोनों आमने सामने हैं, दोनों में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है दोनों कॉलेजेस में, हिंदू कॉलेज और सेंट स्टीफन कॉलेज में, एंड दोनों ही बेस्ट कॉलेजेस में से एक माने जाते हैं दोनों ही। तो ये थे टॉप बेस्ट कॉलेजेस फॉर इंग्लिश ऑनर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट इट्स नॉट कंपलसरी कि आप इन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन लें, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं इजीली। एंड यस, अगर आप लोगों को और वीडियोस चाहिए इस कोर्स से रिलेटेड तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड बाय गाइज।